हे एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूँ मुंबई में, तो मैंने सोचा क्यों ना मुंबई की स्ट्रीट शॉपिंग एंजॉय करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, आज मैं आई हूँ काला चौकी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, जो मार्केट फेमस है बहुत ही ज़्यादा क्लॉथ के लिए, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के लिए। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि इस मार्केट में रीच कैसे होना है। अगर आप लोअर परेल में रहते हो ना, तो आप लोअर परेल से 44 नंबर की बस लोगे ना, तो आप विदिन 20 मिनट्स में काला चौकी मार्केट पहुंच जाओगे। और बस यहाँ पे आपको रोकेगी, बस यहाँ से आपको सीधा अंदर आना है और यहाँ पे राइट टर्न लेना है, और इस गली में एंटर होती है ना, जो फर्स्ट राइट आएगा ना, वहां से ही काला चौकी मार्केट स्टार्ट हो जाता है। गाइस, काला चौकी मार्केट में एंटर होती है ना, मेरी सबसे पहले नजर ना इन कुर्ता सेट्स पे पड़ी, जो बहुत ही ज्यादा प्रीटी थे एंड कॉटन मटेरियल के थे। एंड कॉटन मटेरियल के कुर्ता सेट्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड गाइस, ये सारे ना आलिया कट पैटर्न में थे, और मुझे ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी लगती है और बहुत ज्यादा चल भी रही है। प्लस गाइस, ये मार्केट ना हैंडवर्क कुर्ता सेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं इतने मार्केट्स घूमी हूँ, लेकिन हैंडवर्क का कलेक्शन मुझे काला चौकी से ज्यादा कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके पास जितने तो कलर्स अवेलेबल होते हैं और जितनी तो इनके पास पैटर्न होती है, मुझे इनका कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब सारे भुलेश्वर को भी कंपेयर करें ना, तो काला चौकी मार्केट हैंडवर्क कुर्ता सेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सारे कुर्ता सेट्स की प्राइस स्टार्ट हो रही थी 1000 से। नेक्स्ट गाइस, ये जो कुर्ता सेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा हैवी वाला कुर्ता सेट है। इतना हैवी, मतलब इस पे जो हैंडवर्क किया हुआ है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। ये दी है ना, मतलब पूरे इनके पास हैंडवर्क कुर्ता सेट्स है, और इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी। इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 1200 से। इन्होंने जो अभी मैंने पिंक वाला दिखाया था ना, उसकी प्राइस उन्होंने मुझे 1600 कोट की थी। लेकिन गाइस, सिर्फ उसी कुर्ता सेट में ना पैंट नहीं था, तो मैंने वो पिक नहीं किया। बाकी कुर्ता सेट्स इनके पास बहुत अच्छे थे। ये है गाइस वो वाला कुर्ता सेट जो आपको मिलता है दुपट्टे के साथ, लेकिन इसमें पैंट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पिक नहीं किया, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा थी लेकिन पैंट अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको बेसिक कुर्ता सेट्स भी मिल जाएंगे कॉटन मटेरियल में, रेयन मटेरियल में। सारे कुर्ता सेट्स की प्राइस स्टार्ट हो रही थी 550 से। गाइस, यहाँ पे बार्गेनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। अगर आप करवाओगे तो आपको अच्छे अच्छे रीजनेबल रेट्स पे सारे कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे। इनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है एथनिक वेयर की। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे साड़ीज भी मिल जाती है, जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है सिर्फ 500 से, और 500 में इतनी अच्छी बानी प्रिंट की साड़ीज मिलना दूसरे मार्केट्स में बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे खादी के पैंट्स मिल रहे थे, जिनकी प्राइस थी सिर्फ 300। खादी के पैंट्स गाइस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और इस मार्केट में वो भी मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, जैसे मैं इस मार्केट में एंटर हुई थी ना, मेरी नजर ना इन टॉप्स पे पड़ी थी। ये एक भैया ऐसे नीचे ही टॉप्स वगैरह निकाल के बैठे थे, और इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी जस्ट ₹250। मतलब कोई भी पिक कर सकते हो आप, सिर्फ 250 के थे। और ये गाइस, ये रियल मतलब ओरिजिनल सारा H&M के पीसेस थे। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इनका मटेरियल भी इतना ज्यादा सॉफ्ट था ना, आई डोंट नो ये इतने कम में कैसे बेच रहे थे। लेकिन इनके पास कॉर्सेट्स वगैरह भी थे। सिंगल पीस का 250 था, आप दो पीस लोगे तो 500। इनके पास मुझे कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पर्सनल इनका क्रॉप टॉप्स का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जो चिकन मटेरियल में प्योर कॉटन के टॉप्स थे ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे। मेरी नजर ना इस व्हाइट कलर क्रॉप टॉप पे पड़ी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग थी ना फ्रंट में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे ना बेसिक टीज भी मिल रहे थे, जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 200 से। आप कोई भी पिक कर सकते हो। इनके पास कलेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा था। इनके पास ग्राफिक टीज भी मिल रहे थे, जिसे आप डेली वेयर के लिए इजिली पिक कर सकते हो। इनके पास फैंसी में भी टॉप्स थे, कैजुअल वेयर भी टॉप्स थे। मुझे इनका कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एंटर होते ही ना भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने स्टार्ट किया ना दिखाना, मतलब एक ही पल में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई। नेक्स्ट गाइस, ये मार्केट ज्यादा फेमस है क्लॉथ के लिए। यहाँ पे ना कलिया मिलती है, मतलब पीस बिट्स एंड पीसेस में क्लॉथ मिलता है, जिससे लोग कलियों का लहंगा बनाते हैं। सो गाइस, इनके पास कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलता। मतलब ऐसे कलिया कट की हुई कहीं नहीं मिलती काला चौकी मार्केट के अलावा। सो गाइस, मुझे तो ये मार्केट सिर्फ इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं, क्विल्स मिल जाते हैं इस मार्केट में, और इनकी प्राइस भी स्टार्ट होती है 600-700, डिपेंड करता है आप पतला वाला देखते हो मोटा वाला देखते हो, लेकिन गाइस इनके पास कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप जैसी जैसा प्रिफर करते हो ना वैसा आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ना गाइस दुपट्टे मिल रहे थे जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 100 रुपीज़ से, इस मार्केट में लहंगे भी मिल रहे थे। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे ये जो दुपट्टे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी के थे और इनकी प्राइस थोड़ी हैवी थी, ये स्टार्ट हो रहे थे 1000 रुपीज़ से। नेक्स्ट गाइस इस मार्केट में ना आपको ये वाले कैरी करने के बैग्स भी मिल जाएंगे जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी सिर्फ 100 रुपीज़ से। नेक्स्ट गाइस इस मार्केट में आपको ज्वेलरी भी बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगी, ये सारी ज्वेलरी जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 20 रुपीज़ से, इयर रिंग से स्टार्ट हो रही थी, रिंग्स वगैरह इनके पास भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनके पास रिंग्स थे, इयर रिंग्स थे, टॉप्स वगैरह थे, सब कुछ थे। नेक्स्ट गाइस उस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी तो सारे स्टॉल्स नहीं लगे थे, लेकिन जितने भी स्टॉल्स लगे थे ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट गाइस ये हील्स मिल रहे थे जस्ट फॉर ₹150, मतलब आप कोई भी पिक कर सकते हो सिर्फ 150 में, एंड 150 में गाइस हील्स तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना मिलना। मैंने एक ब्लैक कलर की हील्स ट्राई की जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, आप खुद ही देख लो मेरे पहनने के बाद कैसी लग रही थी, और क्वालिटी भी गाइस नॉट बैड है, बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट गाइस इस मार्केट में आपको जीन्स मिल जाएंगे जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 300 से। सो गाइस इनके पास ब्लू, ब्लैक, वाइट सारे कलर्स के जीन्स थे, आपको ढूंढ ढूंढ के लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। नेक्स्ट गाइस ये H&M ज़ारा का जो पैंट चल रहा है ना टेपर जीन्स, वो यहाँ पे मिल रहा था, मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने प्राइस मुझे 700 कोट की थी, आप बार्गेन करवाओगे तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस इस मार्केट में ज्वेलरी भी मिलती है, आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी मिल जाएगी नवरात्रि के अकॉर्डिंग, आप उसको भी इजीली पिक कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे ना मैंने नेक्स्ट मंगलसूत्र देखे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इनके पास भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था ज्वेलरी का, जो प्रिफर करना चाहते हो ना वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको बैंगल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, इनके पास भी बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, जो डेली वेयर के लिए बैंगल्स चाहिए ना वो यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे ऑक्सीडाइज कड़े भी मिल रहे थे जिसकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 100 से। नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ के इयर रिंग्स भी चेकआउट किए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। नेक्स्ट गाइस ये मार्केट ना अगर आप विजिट करना चाहते हो ना तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड बहुत लोगों को इस मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा कलेक्शन और जो कहीं नहीं मिलता ना वो यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट मुझे ना ये कॉर्ड सेट्स दिखे जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 1000 से, एंड गाइस ये प्योर कॉटन चिकन मटेरियल के कॉर्ड सेट्स थे, इसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वन पीस भी मिल जाता है गाइस, इसकी प्राइस थी 300, ये जो दूसरा है ना उसकी प्राइस थी जस्ट ₹200। इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं मिलेगा करके नहीं है, इस मार्केट में वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इनके पास भी एक क्रॉप टॉप था जिसकी प्राइस थी 200। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको ऐसे ठंडी के लिए भी ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे, वो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे वो कॉटन मटेरियल के थे, नेक्स्ट ये वुलन मटेरियल के, तो दोनों तरीके के आपको ब्लैंकेट्स इस मार्केट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये है प्लेन कुर्ता सेट्स, ये जो ब्लू कलर का कुर्ता सेट है ना ये जस्ट ₹500 में मिल रहा था, उसके बाजू में जो पिंक वाला है वो भी 500 का है, आप बार्गेन करवाओगे ना गाइस तो आपको और कम रेट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो कुर्ता सेट है ये लिबास का कुर्ता सेट है, ये आपको कुर्ता पैंट के साथ मिलेगा, नीचे प्लाजो है और इसकी प्राइस थी 700, मैंने बार्गेन नहीं करवाया। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको चिकनकारी के कुर्ता सेट्स भी मिल जाएंगे, तो बहुत ही प्रिटी प्रिटी कलर्स में मिल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेन बेसिक कॉटन साड़ीज भी मिल रही थी जो आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर कहीं संडे वेयर के लिए कहीं बाहर वगैरह जाने हो तो आप ये वाले साड़ीज प्रिफर कर सकते हो, मुझे ये साड़ीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट यहाँ पे ना इस मार्केट में आपको प्लाजो पैंट्स वगैरह, लेगिंग्स वगैरह, क्रियॉन के पैंट्स वगैरह, कॉटन के पैंट्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। सो गाइस इनके पास ना एक तो कलर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, प्लस इनके पास अलग अलग तरह के मटेरियल भी होते हैं, जैसे ये वाला जो मैं है ना ये मैंने जूडियो में देखा था, जो जूडियो में अराउंड प्राइस थी इसकी 400 थी, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस सिर्फ 250 थी, और 250 के हिसाब से ना गाइस ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लेगिंग्स भी मिल जाते हैं, इनके पास इतने सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं ना आपको मैचिंग हमेशा मिल ही जाएगा।
नेक्स्ट गाइस, मेरे को ना ये वाले पैंट्स बहुत ज्यादा अच्छा लगे जो उन्होंने मुझे 250 कोट किए थे, लेकिन उन्होंने हमको 200 में दे दिए थे। इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, आप बाहर ऐसे पहन के भी जा सकते हो या फिर कुर्ती के नीचे भी पहन सकते हो। नेक्स्ट गाइस, इन भैया ने ना इनका कलेक्शन और बढ़ा दिया, मेरे को ये वाला टॉप भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड फिर निकलते समय ना हमारे सामने ना ये इयररिंग्स का स्टॉल आया, तो हमने इयररिंग्स भी चेकआउट किए। इनके पास ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब हैवी में इयररिंग्स थे। ये वाले तो सिंपल इयररिंग्स थे जो मुझे अच्छे लगे। नेक्स्ट ये है गाइस, ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, इसमें ऐसे कान के वहाँ पे लगाने का भी था, जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी जस्ट 100 से। नेक्स्ट गाइस, ये देखो ये वाले इयररिंग्स कितने सुंदर है ना, और इनकी प्राइस 100 थी, तो बहुत ही थे सब कुछ। सो गाइस, हमारी तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई, आप भी ज़रूर आना इस मार्केट में और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके जाना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।